जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। शादी के बाद पहली बार हम लोग ऐसे मिले, हम दोनों कितने बदल गए ना सादिया, हमारे चेहरे तक हमारे नहीं रहे और हमारे जहन पे दहशत और खौफ के साए। ठीक कह रहे हो, हम नहीं रहे। सादिया क्या हुआ है, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तौसीफ मैगी छोड़ गई, ये कहकर के इस सूरत पर ही वापस जा सकती हूँ कि मेरे घर वाले उनका मुतालबा पूरा करते। मुतालबा? कैसा मुतालबा किया है उन्होंने? और वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या वो? छोड़, हमारे मुल्क के 99% मर्दों की तरह उनका भी यही मानना है और कहना है कि बीवी से कौन मोहब्बत करता है। बीवी जो दुख सुख में उसका साथ देती है, दुनिया की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसका गम आपका गम है, उससे कौन मोहब्बत करता है? ये क्या सोच है सादिया? क्या कह रहे हैं वो, क्या मतलब है मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा है कि मैं जो अपने भाई से, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा वजूद ही उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया। जो जहेज उनकी डिमांड पर, उनकी फरमाइश पर दिया गया था, उसके लिए भाई ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। उस कर्जे को अदा करने के लिए घर का कुछ हिस्सा फरोख्त किया, तुम्हें पता है। तो तौसीफ का ये कहना है जो हिस्सा फरोख्त किया उससे जो रकम आई उसमें मेरा भी हिस्सा है। अब वो रकम तौसीफ को चाहिए। वो हिस्सा जिसकी हकदार तुम हो वो तौसीफ भाई को क्यों चाहिए? क्योंकि वो जॉब कर करके थक गए हैं और उन्हें अब अपना बिजनेस शुरू करना है। तो मैं उस घर में अब तभी वापस जा सकती हूँ जब मेरे पास रकम होगी, मैं रकम लेके जाऊँ। क्या तय किया है घर वालों, देंगे उनको रकम? मैं तो यही सोच रही हूँ कि जिन घर वालों ने मुझे इतने मान से, इतने यकीन से एक शख्स के साथ रुखसत किया, मुझे समझाया कि अब वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे उसी घर में बसना है, उन सबका ख्याल रखना है, उस घर को कभी छोड़ना नहीं। उस घर के वकीलों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, एक मिनट में मुझे उस घर से निकाल भी दिया। बहुत बुरा किया था उसी भाई ने। लोगों ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि उस घर पर, उस घर के वकीलों पर मेरा कोई हक नहीं है। तो जब मेरा कोई हक नहीं है तो मेरे हिस्से की रकम पर उनका हक कैसे है? मैं नहीं मानूंगी उनकी बात। और फिर घर कैसे जाओगी? मैंने अब सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। जिस जिंदगी को चाहा था